हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्लॉगर चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ा है यहाँ एंटॉर्क का रेस एडिशन जो कि येलो कलर में अवेलेबल है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छी आपको ऑफरिंग देखने को मिल जाती है 125 सीसी सेगमेंट में। बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको इसमें यहाँ पे DRLs मिल जाता है जो कि LED में कंपनी आपको देती है, और यहाँ पे आपको LED में लाइट्स भी मिल जाता है जो कि आपको स्प्लिट लाइट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक फ्रंट लुक प्रोवाइड करता है, काफ़ी मस्कुलर लगता है देखने में फ्रंट से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिस्क वेरिएंट है, इसमें आपको ड्रम वेरिएंट भी मिलता है। तो इसका अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 220mm का फ्रंट डिस्क मिलेगा, और रेयर में फ्रेंड्स इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जो कि आपको 130mm का मिलेगा। और फ्रंट टायर का अगर हम इसका बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 100x80 का 12 इंच का टायर कंपनी इसमें ऑफर करती है जो कि काफ़ी अच्छा है। 12 इंच का टायर है और इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स भी मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें फ्रंट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ पे एम्बेडेड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक देता है। और यहाँ पे आपको स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके साइड लुक का, तो साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको एंटॉर्क का बैजिंग मिल जाता है रेस एडिशन, और यहाँ पे आपको RTFI का बैजिंग मिल जाता है रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन का जो कि इसमें अब आपको फ्यूल इंजेक्शन इंजन कंपनी ऑफर करती है 125cc का। इसमें आपको जो 125cc का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 9.1 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.5 Nm का। तो जो कि देखा जाए तो इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर फिगर्स है। अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की, तो आप यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको इसका जो मीटर कंसोल है उसमें आपको सारे ही मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, आपको यहाँ पे इको मीटर मिल जाता है, स्पीड इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रिप शो करता है, ये आपका फ्यूल गेज है। तो इसमें आपको सारा ही फीचर्स देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट फोन के थ्रू इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं आप, अगर कमेंट करिएगा तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पे फुटपैक्स वाले जगह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है बैठने के बाद। अगर बात करते हैं तो पैर काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे अड़ जाता है, मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसे राइड करने में। और अगर बात करते हैं इसके हैंडल बार्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ हाई बीम लो बीम का यहाँ पे स्विच मिल जाता है, ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच हो गया, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है। मैं आपको एक बार इसका हॉर्न का आवाज़ सुना देता हूँ, तो काफ़ी लाउड इसमें आपको हॉर्न मिल जाता है। अब इस साइड में आपको यहाँ पे इसका साइड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको DRLs का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्विच मिल जाता है हाई हैजार्ड लाइट का, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच मिलता है। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपने सुना, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब अगर अभी आप देखते हैं स्कूटी रेंज में, तो 125cc की कोई सी भी स्कूटी नहीं आती जिसमें कि आपको ऐसा एग्जॉस्ट कंपनी ऑफर करे और इतना मतलब आपको बेसी एग्जॉस्ट देखने को मिले, तो काफ़ी स्पोर्टी लगता है देखने में। और बात करते हैं तो इसका जो फ्यूल फिलिंग ऑप्शन है वो भी आपको बाहर में ही मिल जाता है यहाँ पे, तो आपको सीट उठाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी फ्यूल फिल करवा सकते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर इसका फ्यूल फिलिंग ऑप्शन का, तो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये आपका सीट भी ओपन हो जाता है। और बात करते हैं इसका सीट का, तो सीट का जो अंदर का अंडर सीट स्टोरेज होता है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बूट लैंप भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि नाइट में काफ़ी हेल्प करता है, और इसमें आपका एक फुल साइज का हेलमेट अट जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं OBD का एक आपको यहाँ पर मिल जाता है सॉकेट, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस ये प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करते हैं, तो आप फ्यूल का भी फिलिंग का ऑप्शन यहीं से आप अपना ओपन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका ये खुल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर फ्यूल फिल करवा सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसका जो बॉडी है ये आपको फाइबर में मिलता है, और ये भी जो आपको है ये भी आपको फाइबर में मिलता है, और इसका जो ग्रैब रेल से ये आपको आयरन में मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ड्यूरेबल है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके रेयर लुक की, रेयर में आप देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है, फेक एयरवेंट्स टाइप का आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है, और इसका जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स है। और यहाँ पे आपको LED में इसका टेल लाइट मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है स्कूटी को। और बात करते हैं इसके रेयर की टायर की, तो रेयर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे टायर्स मिल जाते हैं। रेयर में आपको 110x80 का 12 इंच का टायर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी बता दिया। तो अभी फ्रेंड्स ये जो स्कूटी है ये CL TVS में प्रेजेंट है तिरंगा चौक गिरिडीह। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है TVS का, तो आप डायरेक्ट आकर शोरूम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्राइसिंग वगैरह सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, आप कॉल करके प्राइसिंग पूछ सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स इसका फुल डिटेल्स, होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस स्कूटी को लेकर वो क्लियर हो गई। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पर मेरा लिंक आ रहा होगा, आप उसमें जाकर पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।